लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने 65,000 करोड़ के निवेश की नींव रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ की योजना की नींव रखी थी। अमित शाह ने 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और यूपी में निवेश के नए रास्ते खोले। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर 2 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में देश के नामचीन उद्योगपति शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी निवेशकों का स्वागत किया। वाराणसी में चारों ओर हर हर महादेव और बम्बोले की गूंज सुनाई दे रही है। यहां कांवड़ियों के स्वागत के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। योगी सरकार कांवड़ियों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश करवा रही है। इस बार कांवड़ियों को डीजे बजाने की अनुमति दे दी गई है। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। वाराणसी में सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी के प्रयागराज में भगवान शिव का जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक घटना फूलपुर थाना इलाके में हुई। ये सभी जौनपुर से एक पिकअप वैन में सवार होकर निकले थे।